तो दोस्तों कल के एपिसोड में बिग बॉस के घर में क्या होने वाला है ये हम आपको बताने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि सिद्धार्थ शुक्ला और जो पारस हैं वो दोनों सीक्रेट रूम में ही रहेंगे, लेकिन विशाल और मधुरिमा के बीच में प्यार वाली मोहब्बत देखने को हम लोग को सुबह सुबह मिलेगी। वहीं दोस्तों आपको बताते चलें कि इसके बाद होने वाला है एक टास्क। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि बिग बॉस ये अनाउंस करेंगे घर वालों के सामने कि एक टास्क होने वाला है और आप लोगों को ये कैप्टेंसी टास्क करना है, जिसमें कि आसिम जो है वो पहले ही बोल देते हैं कि भैया मैं तो जितनी भी चिट्ठियाँ आएंगी मैं किसी को नहीं दूंगा, लेकिन जो चिट्ठी मेरी होगी उसको मैं लेकर रहूँगा, ऐसा कहना है आसिम का। और दोस्तों ये टास्क एक्चुअली ये रहता है कि घर वालों के तरफ से सभी कंटेस्टेंट के चिट्ठियाँ आई होती हैं और वो एक बॉक्स के अंदर रहती हैं। अब जब बिग बॉस अलार्म बजाएंगे तो अलार्म बजने पे जो जितनी चिट्ठियाँ वहाँ से उठा सकता है वो उठानी पड़ती है। अब चिट्ठियाँ उठाने के बाद जो घर वाले रहेंगे, जिसको जिसकी चिट्ठी मिली रहेगी, वो चाहे लेटर बॉक्स में जाके डाल दे या फिर उस चिट्ठी को क्रशर में डाल के ख़त्म कर दे। अब ऐसा देखने को मिलेगा कि जो विकास गुप्ता हैं वो तो भैया है मास्टरमाइंड, अब वो क्या जुगाड़ लगाते हैं इस चिट्ठी की हेरा फेरी में, ये देखने में कल मज़ा आने वाला है। आपको बताते चलें इस चिट्ठी में ऐसा होगा कि जो अपनी चिट्ठी पा जाएगा वो कैप्टेंसी के लिए दावेदारी के लिए जीत जाएगा, साथ ही साथ जो एक भी चिट्ठी किसी को नहीं देगा वो भी जीत जाएगा, यानी कि इसमें दो पहलू होने वाले हैं। अब दोस्तों आपको बता दें कि इसमें आसिम फंस जाते हैं। दरअसल आसिम का क्या होता है कि आसिम का कुछ दिक्कत हो जाता है रश्मि के साथ और रश्मि पे आसिम जो है वो चिल्लाने लगते हैं, और साथ ही साथ जो माहिरा है उनको भी चिट्ठी नहीं मिलती है। फिर जब आसिम को भी नहीं मिलती है तो माहिरा कहती हुई नज़र आती हैं आसिम को कि अब पता चला कि कैसा लगता है जब खुद की चिट्ठी नहीं मिलती। तो ऐसा ही कुछ होने वाला है। लेकिन जो रश्मि है, रश्मि से काफ़ी ज़्यादा लड़ाई हो जाती है आसिम की और काफ़ी तूतू मैमे भी हो जाती है। दोस्तों आपको बताते चलें कल का एपिसोड काफ़ी ख़तरनाक होने वाला है, क्योंकि कैप्टेंसी टास्क है और सब लोग अपने आप में कैप्टन बनना चाहते हैं, क्योंकि बिग बॉस के घर में कैप्टेंसी जीतना मतलब कि इम्यूनिटी पाना, और ये एक बहुत बड़ी बात है, जिसमें कि पारस और जो सिद्धार्थ शुक्ला है वो घर के अंदर बैठे बैठे गेम को एंजॉय करते हैं, और बहुत सही चीज़ है ये। आपको बताते चले दोस्तों, सिद्धार्थ शुक्ला आज बिग बॉस के घर में नहीं दिखे तो मुझे उतना मज़ा भी नहीं आया, क्योंकि ऐसा लग रहा था कुछ हो ही नहीं रहा है घर में, सिर्फ बकवास बातें ही चल रही हैं। मतलब कि जब तक सिद्धार्थ शुक्ला घर में है तब तक बहुत बेहतरीन रहता है। तो ये था, धन्यवाद।